सिंधु घाटी सभ्यता, या इसे हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, यह एक कांस्ययुगीन सभ्यता है। इसका काल जो है 2500 से 1750 BC तक C14 विधि द्वारा निर्धारण किया गया है। हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं? सर्वप्रथम 1921 ईस्वी में सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में RD साहनी के द्वारा सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थल की खोज की गई थी, जो कि पाकिस्तान में रावी नदी के तट पर पश्चिमी पंजाब में है। तो 1921 में सबसे पहले हड़प्पा की खोज होने के बाद जो है इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। 1921 ईस्वी से 1922 में जब राखल दास बनर्जी के निर्देशन में खोज किया गया था मोहनजोदड़ो का। पहले हड़प्पा, उसके बाद मोहनजोदड़ो का खोज किया गया था। मोहनजोदड़ो का खोज 1922 ईस्वी में पाकिस्तान के सिंधु नदी के तट पर किया गया, पाकिस्तान में ही सिंधु नदी के तट पर 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो की खोज की गई। ध्यान रखिएगा दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता, RD साहनी और मोहनजोदड़ो राखल दास बनर्जी के द्वारा खोजा गया था। अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का भौगोलिक विस्तृत कहाँ से कहाँ तक है, अर्थात भौगोलिक दृष्टि से हड़प्पा सभ्यता कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है। सबसे पहले हम देखते हैं उत्तर में जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में एक जगह है मांडा। जम्मू कश्मीर में जगह है मांडा, यह चिनाब नदी के तट पर है। मांडा चिनाब नदी के तट पर है। उसके बाद दक्षिण में है दैमाबाद, दक्षिण में महाराष्ट्र में दैमाबाद। उसके बाद पूरब में जब चलते हैं तो इस क्षेत्र में यूपी में एक जगह है हिंडन नदी के किनारे एक जगह है आलमगीरपुर है यूपी में। जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के तट पर मांडा जगह है। दक्षिण में जब चलते हैं तो महाराष्ट्र में नर्मदा नदी के तट पर दैमाबाद है। पूरब में यूपी में हिंडन नदी के तट पर क्या है, आलमगीरपुर है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से जब हम पश्चिम की ओर चलते हैं तो यहाँ बलूचिस्तान में एक नदी है जो दास्क नदी के नाम से जाना जाता है। दास्क नदी के तट पर सुतका गेंडोर है। तो अब देखिए दोस्तों, जब हम इस मैप को मिलाते हैं तो यह एक त्रिभुजाकार आकृति का निर्माण करता है। त्रिभुजाकार पूछता है कि हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की है, तो त्रिभुजाकार आकृति की है। उत्तर में जम्मू कश्मीर में मांडा है जो चिनाब नदी के तट पर है। दक्षिण में महाराष्ट्र में दैमाबाद है जो नर्मदा नदी के तट पर है। पूरब में यूपी में हिंडन नदी के तट पर आलमगीरपुर है। और पश्चिम में बलूचिस्तान में, जो पाकिस्तान में पड़ता है, दास्क नदी के किनारे सुतका गेंडोर। अब आगे चलते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में खेती की क्या संरचना थी। सिंधु घाटी सभ्यता में मुख्य रूप से गेहूं तथा जौ की खेती की जाती थी।
गेहूं तथा जौ। सिंधु घाटी सभ्यता में मुख्य रूप से गेहूं तथा जौ की खेती की जाती थी। मोटे तौर पर कपास भी यहाँ उपजाए जाते थे। कपास की भी खेती की जाती है। ऐसा माना जाता है कि कपास की सर्वप्रथम खेती सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने ही किया था, जिसके कारण यूनानी लोग कपास को सिंडन कहते हैं। सिंडन क्यों कहते हैं? क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता से इसका नाम लिया गया है। ऐसा माना जाता है कि कपास की खेती सर्वप्रथम सिंधु नदी के किनारे किया गया था सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के द्वारा, इसलिए कपास को यूनानी लोग सिंडन कहते हैं। अब देखिए, इसके अलावा राई, मटर, तिल, सरसों आदि की खेती की जाती थी। चावल का साक्ष्य मिला है यहाँ पर, चावल का साक्ष्य लोथल और रंगपुर में मिला है। उसके बाद गन्ना का साक्ष्य नहीं मिलता है। क्वेश्चन पूछता है कि निम्न में से किस चीज़ का साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता में नहीं मिला है? गन्ना का साक्ष्य नहीं मिला है। उसके बाद बाजरा का साक्ष्य मिला है लोथल में, लोथल गुजरात में पड़ता है, उसी क्षेत्र में लोथल है, तो लोथल में मिलता है। किसका बाजरा का साक्ष्य कहाँ मिला है? लोथल में मिला है। गन्ना का साक्ष्य नहीं मिला है। चावल का साक्ष्य लोथल और रंगपुर में मिला है। कपास की खेती सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता की देन है, जिसके कारण यूनानी लोग कपास को सिंडन कहते हैं। इनके प्रमुख फसल गेहूं तथा जौ थे। उसके बाद पशुपालन में जब चलते हैं, तो पशुपालन में ये लोग मुख्य रूप से कुत्ते, डॉग, कौ, बफेलो मतलब कुत्ते, गाय, भैंस, बकरी, भेड़, सुअर, कुवड़ वाला एक सांड होता है, कुवड़ वाला सांड था जिसको ये लोग प्रिय मानते थे, कुवड़ वाले सांड को। गधे को भी पाला जाता था, ऊँट को भी पाला जाता था। उसके बाद बैल, गाय, भैंस, बकरी, भेड़, सुअर, कुवड़ वाला सांड, गधे, ऊँट, कुत्ते, बिल्ली को पाली जाती थी। इसके अलावा ये लोग अन्य जानवरों से परिचित थे, जिनमें हाथी, घोड़े, गेंडा, बंदर, भालू, खरा इत्यादि आते हैं। हाथी तथा घोड़े से ये लोग परिचित थे, परंतु इन्हें पालतू नहीं बना सके थे। जिनमें घोड़े का साक्ष्य मोहनजोदड़ो तथा लोथल से मिला है। उसके बाद घोड़े का अवशेष कहाँ मिला है? तो घोड़े का अवशेष सुरकोटदा, गुजरात में एक जगह है सुरकोटदा है, जहाँ घोड़े के अवशेष मिले हैं सुरकोटदा से। अब उसके बाद आता है लिपि यहाँ की क्या थी। लिपि ब्राह्मी लिपि थी। एक मिनट दोस्तों,
ब्राह्मी लिपि से ये लोग परिचित थे। ब्राह्मी लिपि होता क्या है, यह दाएं से बाएं फिर बाएं से दाएं, इस प्रकार से लिखा जाता है ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि से परिचित थे। उसके बाद कह रहा है कनिंघम ने 1873 में इस बात को बताया कि हड़प्पा सभ्यता से मिली लिपि जो है ब्राह्मी लिपि से मिलती जुलती है। उसके बाद इसे पढ़ने का प्रयास सर्वप्रथम एले वेडेल के द्वारा किया गया। ब्राह्मी लिपि को पढ़ने का प्रयास सर्वप्रथम एले वेडेल के द्वारा किया गया था। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ माप तोल की इकाई। माप तोल की इकाई जो है 16 के गुणज में थी, 16, 64, 16 के गुणज में थी, 16, 64, 160, 320, 86। अब देखिए 16 के गुणज में माप तोल की इकाई थी। मृदभांड यहाँ मिले हैं लोथल से मृदभांड मिले हैं, मिट्टी के बर्तन मिले हैं। उसके बाद है मुहर कालीबंगा से मिले हैं। प्रतिमाएं मिली है यहाँ। अंतिम संस्कार यहाँ तीन तरह के अंतिम संस्कार किए जाते थे। एक दाह संस्कार था, एक पूर्ण समाधि, एक अल्प समाधि था। दाह संस्कार में क्या होता था, हिंदू ट्रेडिशन में अभी जैसे दाह संस्कार होता है, जला दिया जाता था बॉडी को, फिर उस भस्म को दफना दिया जाता था। दूसरा था पूर्ण समाधि। पूर्ण समाधि में क्या होता था, लाश को दफना दिया जाता था। और अल्प समाधि में क्या होता था कि लाश को पहले जानवरों को छोड़ दिया जाता था खाने के लिए, और बचे हुए अवशेष को दफना दिया जाता था। अब दोस्तों हम क्वेश्चन की ओर जाते हैं। यहाँ देख लीजिएगा कहाँ से क्या प्राप्त हुआ है। सबसे पहले हड़प्पा की खोज कहाँ किया गया है, पश्चिमी पंजाब में, पाकिस्तान के जगह में है। किस नदी किनारे है, रावी नदी किनारे है। उसके बाद यहाँ क्या क्या मिले हैं ये सब देख लीजिए दोस्तों। जैसे अक्सर पूछे जाते हैं लोथल में गोदीबाड़ा, लोथल क्या है, गोदीबाड़ा। यहाँ हाथी के दांत मिले हैं, गोदीबाड़ा है, हाथी के दांत मिले हैं कहाँ, लोथल में। लोथल किसके नदी किनारे है, भगवान नदी के किनारे है। चंद्रुद्रो जो है सिंधु नदी किनारे पाकिस्तान में है। उसके बाद इसमें मनके बनाने वाला कारखाना, लिपस्टिक। उसके बाद ये क्वेश्चन पूछता है बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का साक्ष्य कहाँ मिला है, चंद्रुद्रो में मिला है। उसके बाद एक बात ध्यान लीजिएगा, कॉस्मेटिक का सामान जो है चंद्रुद्रो से ही मिला है। कॉस्मेटिक का सामान गौर करके देखिए, लिपस्टिक, कांस गाड़ी, वक्राकार ईंट, कंघा, तीन घड़ियालों तथा दो मछलियों के अंकन वाला मुद्रा, काजल पाउडर इत्यादि चंद्रुद्रो में मिले हैं। उसके बाद है कालीबंगा। कालीबंगा हनुमानगढ़ राजस्थान में है, यह घग्गर नदी के किनारे। नदी के बारे में याद रख लीजिएगा कालीबंगा। यहाँ जोते हुए खेत मिले हैं, अग्नि हवन कुंड मिले हैं, चूड़ियाँ मिली है, संभवतः एक साथ फसल बोने की लक्ष्य रही है। उसके बाद चूड़ियों का मिलती थी अग्नि हवन कुंड। उसके बाद आगे चल के देखते हैं हम राखी गढ़ी में ताम उपकरण हड़प्पा लिपि युग मुद्रा मिली है। कोट दीजी में मृदभांड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद ये देख लीजिएगा मातृ देवी की मूर्तियाँ कहाँ मिली है, कोट दीजी में। उसके बाद बनावली किस नदी किनारे, सरस्वती के नदी किनारे, यह विलुप्त हो चुकी है। मिट्टी का हल पूछा जाता है।
उसके बाद आगे चलते हैं रोपड़ जो है सतलज नदी के किनारे है। यहाँ तांबे की कुल्हाड़ी ये पूछी जाती है। सेलखड़ी की मुहर कहाँ मिली है? रोपड़ में। उसके बाद रंगपुर में जब चलते हैं तो रंगपुर में ज्वार बाजरा की साक्ष्य मिली है। कच्ची ईंटों के दुर्ग मिले हैं। धान की भूसी पूछा जाता है क्वेश्चन में। उसके बाद आलमगीरपुर में क्या है? मृदभांड पर रंगीन चित्रकारी। मृदभांड वैसे लोथल में मृदभांड मिले, लेकिन मृदभांड पर रंगीन चित्रकारी कहाँ मिले हैं? आलमगीरपुर में। आलमगीरपुर कहाँ है? यूपी में, जो कि पूर्वी क्षेत्र है। किसका? सिंधु घाटी सभ्यता का। सुतका गेंडोर है। बेबीलोन से व्यापार का साक्ष्य ऐसा कुछ नहीं, ये उतना नहीं पूछा जाता है। उसके बाद मांडा जम्मू कश्मीर में है, सबसे उत्तरी छोर है। उसके बाद सुतका को सादी कोर, मतलब ये सब का तो नहीं, बाकी ये सब का मतलब किस नदी के किनारे हैं उसको देख लीजिएगा दोस्तों। अब आगे चलते हैं हम क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। हम पहले बता चुके हैं कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता काल कितना है? 2500 से 1750 ईसा पूर्व, या C40 के द्वारा निर्धारण किया गया। इसका निर्धारण C40 विधि द्वारा किया गया। सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? सिंधु घाटी की सभ्यता मिस्र की सभ्यता के समकालीन थी, चीनी सभ्यता के समकालीन थी, उसके बाद मेसोपोटामिया की सभ्यता उस समय थी। इन सब से बिजनेस भी चलता था, व्यापार चलता था कहाँ से? सिंधु घाटी सभ्यता और इन सब के बीच। लेकिन क्रीट की सभ्यता से मिलती जुलती नहीं है। इसका आंसर डी हो जाएगा, डी नंबर आंसर। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? अभी तुरंत बताएं, पंजाब में तो थी लेकिन दिल्ली में नहीं थी, तो दिल्ली कट जाएगा। राजस्थान में थी, बिहार में नहीं थी, बिहार के कुछ क्षेत्र में वैसे है लेकिन इसका उजागर उतना अच्छा से तो नहीं हुआ, लेकिन बंगाल और उड़ीसा में नहीं थी। पंजाब में है, राजस्थान में है, गुजरात में है, उड़ीसा और बंगाल में नहीं है। अब देखिए, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, सिंधु और बलूचिस्तान, इन सब में फैली हुई है सिंधु घाटी सभ्यता। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? अभी तुरंत बताएं, घोड़े का अवशेष राजस्थान में सुरकोटदा में घोड़े के अवशेष मिले हैं। सुरकोटदा चार का ए हो जाएगा। पांचवा नंबर में है सिंधु घाटी सभ्यता कालीबंगन जो है राजस्थान में है। कालीबंगन किस क्षेत्र में? राजस्थान में, गुजरात में लोथल है। इसके बाद निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में किया जाता था? हड़प्पा सभ्यता की मुहरे जो है सेलखड़ी द्वारा बनती थी। इससे पहले भी हम बताए हैं कि सेलखड़ी की मुद्रा मिली है। उसके बाद है हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? हड़प्पा सभ्यता कांस्ययुगीन है, यहाँ कांसा का प्रयोग किया जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ये नंबर होगा व्यापार, ये लोग व्यापार करते थे। बताए थे कि चीन, मेसोपोटामिया, मिस्र, इन सब सभ्यता के बीच इन लोगों का व्यापार चलता था। उसके बाद है हड़प्पा सभ्यता के निवासी क्या थे? शहरी थे, लेकिन वैदिक सभ्यता के निवासी ग्रामीण थे। उसके बाद शहरी ढांचा बहुत ही विकसित था, वहाँ पर रोड जो है ग्रिड पद्धति में बनाई जाती थी, इस टाइप का 90 डिग्री पे काटता था हर रोड। उसके बाद नाला का बहुत अच्छा ही सुविधा था,
जो कि आधुनिक सुविधा से मेल खाता है, आधुनिक सुविधा ऐसा माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता से ही लिया गया। उसके बाद है नाला का, उसके बाद है सिंधु सभ्यता के घर किसके बनाए जाते थे, ईंट से बनाए जाते थे, ईंटों का साक्ष्य भी मिला है। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे, बताएं कपास के लिए जिसके कारण यूनानी कपास को सिंडन कहते हैं। उसके बाद निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था, उसके इसका आंसर हो जाएगा दयाराम सहनी। 1921 ईस्वी में हड़प्पा की खोज किया था, हड़प्पा का खोज 1921 में दयाराम सहनी द्वारा किया गया था। उसके बाद है सिंधु सभ्यता का पत्तन कौन सा है, पत्तन क्या बोले थे, बंदरगाह लोथल है, लोथल सिंधु सभ्यता का बंदरगाह हुआ करता था, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह लोथल था। उसके बाद पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग माप तोल से परिचित थे, यह खोज कहाँ पर हुई थी। पैमानों की खोज हम बताए थे यह 16 के गुनज में पैमाना था, इसकी खोज लोथल में हुई थी, लोथल बंदरगाह था, यहाँ खोज की गई थी। उसके बाद है हड़प्पाकालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था, हड़प्पाकालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था, शिकारी पुजारी किसान और क्षत्रिय, ऐसा कुछ नहीं था उस समय, क्षत्रिय वैश्यूद्र ये सब कुछ नहीं थे। विद्वान योद्धा व्यापारी और श्रमिक इन चार वर्गों में विभाजित था, विद्वान था, योद्धा था, व्यापारिक था और श्रमिक था। क्वेश्चन नंबर 17-16 की ओर चलते हैं, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता का, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है, हड़प्पा सभ्यता है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्र करता है, उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, मंदिर का तो ऐसे साक्ष्य नहीं मिला है, वे देवियों देवताओं दोनों की पूजा करते थे, वे युद्ध में घोड़ों द्वारा लोग सही चित्रित करता है, वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले। देखिए यहाँ क्या होता था कि उनके विशाल महल तो थे लेकिन मंदिर नहीं थे, मंदिर का कोई साक्ष्य नहीं मिला है, वे देवियों और देवताओं की पूजा करते थे, हाँ ये देवी देवता की पूजा करते थे ये सत्य है, वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे, हम बताए थे घोड़े जो है घोड़े से परिचित थे वे लोग लेकिन इन्हें पालतू नहीं बना सके थे, तो ये गलत हो जाएगा, अर्थात केवल दो आंसर होगा। ए नंबर, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी, हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में हुई थी, 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है, उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी, हड़प्पा सभ्यता के बारे में बोल रहा है, निम्न में से क्या चीज जो है उन लोगों का पद सामाजिक पद्धति था, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है, क्या सही है निम्न में से, तो उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी, ऐसा कुछ नहीं है, यज्ञ का पता नहीं चला है, गाय उनके लिए पवित्र थी, गाय का तो मतलब गाय से परिचित थे और ये पालतू भी थे लेकिन ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला है जिससे पता चले कि गौ की पूजा होती थी वहाँ, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था, हाँ ये पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था, पशुपति की मूर्ति भी वहाँ मिली थी। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति डैश थी, सामाजिक पद्धति क्या थी, तो उचित समतावादी, दार्शनिक आधारित, वर्ण आधारित, जाति आधारित,
दास श्रमिक वर्ण ऐसा कुछ नहीं था, ना ही वर्ण था उस समय, ना ही जाति था, और दास श्रमिक ऐसा भी कुछ नहीं था। यह उचित समतावादी था, उचित समतावादी था। उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। सिंधु का नखलिस्तान या बाघ हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा जाता है? हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल को नखलिस्तान या बाग कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को कहा जाता है, मोहनजोदड़ो को। एक बात और ध्यान में रखिएगा दोस्तों, मोहनजोदड़ो को का अर्थ होता है मृतकों की का टीला, मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। उसके बाद है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार है? त्रिभुजाकार है, हम बताएं 22 नंबर त्रिभुजाकार है। उसके बाद सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए। हड़प्पा किस नदी किनारे है? रावी नदी किनारे है, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी किनारे है, लोथल जो है घग्गर नदी के किनारे, और कालीबंगा लोथल भोगवा नदी के किनारे है, कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे। हड़प्पा रावी नदी, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी, लोथल भोगवा नदी और कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 24 नंबर में है कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेतों का साक्ष्य कहाँ मिला है? हल से जोते हुए खेतों का साक्ष्य हमें कालीबंगा राजस्थान में मिला है। सैंदव सभ्यता के ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? कालीबंगा से ही मिला है, राजस्थान से ही मिला है। ईंटों का साक्ष्य, हल से जुते हुए खेत का साग, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो क्या बोले थे, पाकिस्तान में स्थित है, पाकिस्तान में सिंध में स्थित है, सिंध में, सिंधु नदी किनारे सिंध है, इस सिंध में मोहनजोदड़ो स्थित है। सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया गया है, बृहत स्नानागार मोहनजोदड़ो में, जितने भी कंस्ट्रक्शन वाले चीज हैं वे अक्सर मोहनजोदड़ो में पाए गए हैं। उसके बाद बस दोस्तों क्वेश्चन यहीं तक था, 27 क्वेश्चन।